सीरियल ये रिश्ते हैं प्यार के में हम सभी ये बात सोच रहे थे कि आखिर कुहू ने सेरोगेसी के लिए हाँ क्यों किया। तो आज इस राज से पर्दा उठ जाएगा कि मीनाक्षी की चाल थी, मीनाक्षी ने कुहू के दिमाग में क्या भरा था। आज मीनाक्षी की सच्चाई भी सबके सामने आ जाएगी कि मिस्ट्री और अबीर अपने बच्चे को जो वो गोद ले रहे हैं वहाँ जाके पूरी फॉर्मेलिटी पूरी करना चाहते हैं और यहाँ कुहू और कुणाल को भी लेकर जाना चाहते हैं, पर कुहू यहाँ पे सबको शॉक देती है ये कहकर कि जब मैं इतनी सारी चीज़ें कर सकती हूँ तो मैं सेरोगेट मदर क्यों नहीं बन सकती। यहाँ पे अबीर और मिस्ट्री कुहू को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, कुहू की माँ समझाने की कोशिश करती है, बड़ी माँ सब लोग ये बात समझाने की कोशिश करते हैं पर कुहू नहीं मानती। एक छोटा सा फ्लैशबैक आपको दिखाया जाएगा जिसमें इस राज से पर्दा उठेगा कि कुहू सेरोगेसी के लिए क्यों हाँ कर रही है। दरअसल मीनाक्षी ने कुहू को कहा है कि तुम्हारा जो भी बेटा आएगा उसे राजवंश का नाम तो मिलेगा पर उसे सब कुछ भीख में मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा पति मेरा बेटा नहीं है, वो पायल का बेटा है, दूसरी औरत का बेटा है जो लीगली वाइफ भी नहीं थी मेरे हस्बैंड की, ये बातें कहती है। ऐसे में मीनाक्षी यहाँ पे कहती है कि अगर तुम मेरे लिए ये कर देती हो, सेरोगेट मदर बन जाती हो, तो मैं तुम्हारे पति और तुम्हारे आने वाले बच्चे को वही ओहदा दूंगी जो मैं अबीर के बच्चे को दूंगी, यानी सब कुछ करूंगी और कभी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी, कभी भी तुम्हें इस बात का एहसास नहीं होगा कि कुणाल पायल का बेटा है मेरा नहीं। ये सारी चीज़ें मीनाक्षी कहती है, यानी उसे किसी तरह का लालच देती है और यही बात कुहू मान जाती है और कुहू तैयार हो जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे कुहू हर तरह से तैयार हो गई है, अबीर यहाँ उसे समझाने की भी कोशिश करता है कि 9 महीने तुम अपनी तरह ज़िंदगी नहीं जी पाओगी, तुम अब जैसे तुम चाहती हो वैसे नहीं रह पाओगी, ना शॉपिंग कर पाओगी ना एंजॉय कर पाओगी, लेकिन तब भी कुहू टस से मस नहीं होती। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कुन शो में आएगा लीप और लीप के बाद कुहू सीधे बच्चे को जन्म देगी। जी हाँ, शो में एक लीप आएगा, लीप के बाद कुहू बच्चे को जन्म देगी, लेकिन इसके बाद कुहू इस बच्चे को अबीर और मिस्ट्री को देने से मना कर देगी, वो ये जताएगी कि वो है उसकी माँ। जी हाँ, ये होगा शो में आगे और ये सब कुछ मीनाक्षी की वजह से हुआ है। अबीर को ये समझ में आ जाता है कि कुहू ने हाँ क्यों किया, उसे समझ में आ जाता है कि इसके पीछे मीनाक्षी की चाल है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि चारों एक होंगे, यानी कुहू, कुणाल, अबीर, मिस्ट्री, और मिस्ट्री यहाँ पे कहेगी, कुहू यहाँ पे कहेगी कि वो उनकी सेरोगेट मदर बनने को तैयार है और जल्द ही ये प्रोसेस डॉक्टर के यहाँ जाके पूरी होगी। लेकिन इस सेरोगेसी के बाद, बच्चा आने के बाद राजवंश परिवार में क्या बड़ा ड्रामा होता है, ये देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।